हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस बेस्ट फंडामेंटल स्टॉक्स की सीरीज में तीसरा वीडियो आईटीसी। आईटीसी क्या काम करता है आप सबको पता होगा। बिस्किट से लेके ये कंपनी, रजिस्टर से लेके मोस्टली चीजें ये कंपनी बनाती है, और इसका सबसे ज्यादा जो पार्ट है टोबैको है। टोबैको, तंबाकू और सिगरेट आईटीसी के ही मिलेंगे। मुबारक हो। और सबसे बड़ी बात है कि अभी ये कंपनी क्या कर रही है, टोबैको से लेके थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड हो रही है एफएमसीजी पे, फास्ट मूविंग कैपिटल गुड्स, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। मतलब ये बिस्कुट से लेके सनफीस्ट ईपी तक का प्रोडक्ट आता है। इन्होंने अगर सनफीस्ट ईपी, मैगी लवर जो होंगे तो सनफीस्ट ईपी ने अपना क्या करा है, थोड़ा सा टेस्ट चेंज किया है। एमएस धोनी को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है। तो टेस्ट चेंज करने का मतलब कंपनी लगातार इंप्रूवमेंट कर रही है। और मैंने इसको यहाँ क्यों डाला, क्योंकि महज ये 247 रुपए का शेयर है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, करेंटली नहीं होगा, क्योंकि ये 247 से लेके 190 रुपए तक पिछले 3 सालों से कंसोलिडेट कर रही है। भाई जिस समय ये निकलेगी ना यहाँ से, फाड़ देगी ये कंपनी। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए कि अगर अभी भी, अगर सन 2008 में जिसके पास इसका शेयर होगा, सन 2008 में भी इसका शेयर प्राइस 190 के आसपास ही था, तो जिन्होंने पेशेंटली होल्ड किया है आज उनकी डेट पे, तो भी एक शेयर जिनके पास 2008 में था, आज उनके पास करीब 6 शेयर उनके पोर्टफोलियो में होंगे। क्योंकि तो कंपनी कंटिन्यूअसली बोनस भी देती रहती है। इट इज मतलब ये कंपनी जस्ट लाइक विप्रो है, कि विप्रो हमेशा अपना शेयर का प्राइस 300 रुपए के आसपास ही रखती है, वैसे ही ये शेयर प्राइस हमेशा अपना 200 के आसपास ही रखते हैं। तो इसका शेयर प्राइस बहुत सस्ता है, इसलिए भी बहुत अच्छी कंपनी है। फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग शेयर है। कंपनी मेहनत कर रही है, क्योंकि कंपनी को अपने टोबैको बिजनेस से एफएमसीजी बिजनेस पे चेंज करना बहुत आसान लगता है कि कंपनी चेंज कर लेंगे, वो कर भी ले सकते हैं कंपनी। तो आगे मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे मीम्स भी बन रहे हैं। तो इसके अब बात कर लेते हैं कि पेशेंट कितना पेशेंस चाहिए। ये देखिए, ये देखिए, और ये 2020 आया, बिल्कुल नीचे चला गया, फिर धीरे धीरे कंपनी ऊपर जा रही है। क्यों ऊपर जा रही है, क्योंकि कंपनी एफएमसीजी बिजनेस पे है। धीरे धीरे जैसे जैसे टोबैको बिजनेस से शट डाउन करेगी और एफएमसीजी पे आएगी, वैसे वैसे इसका शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। फ्रेंड्स, मॉर्गन स्टेनली की भी अभी रिपोर्ट थी कि ये एक मल्टीबैगर शेयर है। तो फ्रेंड्स, ये नज़र में होना चाहिए, हम सभी के वॉच लिस्ट में होना चाहिए ये शेयर। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है, जिनके पास है वेल एंड गुड, और जिनके पास नहीं है उनके पास वॉच लिस्ट में ये शेयर जरूर होना चाहिए।